साले सब के सब का है। अरे अव्वल दर्जे के कमीने हैं साले बांटे लोग। अरे काम आ गए हैं सब के सब। साले घर में जमाई तो बना लिया हमको, साले हम भी कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे करवट बदन बदन के थक गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। छोड़ो बेटा गुड्डू सुतला, तुम्हें कौन सा जिंदगी बितानी है यहाँ पर? चार छः घंटे की बात है, श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो जाएंगे, पैसे लेंगे और निकल लेंगे। पहले अस्पताल पहुँचेंगे, अम्मा को ऑपरेशन करवाना, डॉक्टर को पैसे देंगे। सर डॉक्टर से आधा डॉक्टर को तो फोन ही नहीं किया हमने, काम करते सर अभी फोन कर लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। अरे गुड्डू शुक्ला बात कर रहे हैं, आपकी जगह इतनी रात को आपको तकलीफ दे रहे हैं। कहा है ना अम्बा, पैसों का इंतजाम हो गया है, सुबह सुबह मिल जाएंगे आपको बाकी के 4 लाख। अब अम्मा का ऑपरेशन शुरू करवाइए, रखते हैं सुबह मिलेंगे। चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ चाहे शादी का जोड़ा पहन लिया, मेहंदी लगवाई, शादी रचाई, सिर्फ इसलिए ना कि हम इस घर से विदा हो जाएंगे तो अम्मा को बहुत सुकून मिलेगा, उनके दिल का बोझ हट जाएगा। लेकिन हमारी विदाई तो हुई ही नहीं, हम तो आज भी इसी घर में हैं। फिर ये जो शादी के नाम पे हमसे धोखा किया गया है, हम उसको माने ही क्यों? क्यों हम जिंदगी भर के इस बंधन में जकड़े अपने आप को? हम नहीं मानेंगे शादी को, ये धोखा है। नहीं मानेंगे हम उस धोखेबाज को अपना पति, नहीं मानेंगे। सुहागन के मांग से सिंदूर पोछे से अब शगुन होता है। ये जो सिंदूर है ना, ये सिर्फ सुहाग के निशानी नहीं है। अरे ये तो औरत की शक्ति।
है पांडे जी, अरे कहाँ से ला के दियो 2 लाख रुपया गुडवा को, और विष्णु अरे 1 लाख रुपया दे के फुर्सत में चले गए। अरे लेकिन मैं कहता हूँ मिठू जी, अरे मैंने वचन दे दिया है कि मैं पैसा दूंगा तो मुझे पैसा देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप नहीं जानती, अगर मैंने पैसा नहीं दिया ना तो वो गुड्डू शुक्ला जीना हराम कर देगा। मैं पांडे के दिमाग में तो अच्छी बात घुस गया ही नहीं, पटाखा पांडे दगे लगियो। आए है पांडे जी, अरे काहे जीना हराम कर देगा वो? अरे इस सब किया धारा, इस सारा नौटंकी और पिलान तो बिस्नुआ का है ना, तो उनका जीना हराम करे वो? मेरी समझ में नहीं आ रहा मिट्टू जी, मैं करूं तो करूं क्या? आए पांडे जी, आप तो ना चुपचाप जाए के मोहल्ला के त्रिवेणी जी, शुक्ला जी, चाहे राम प्रसाद बाबू के यहाँ जाए के ना चाय नाश्ता फरमाइए, और हमसे कोनो पूछिए ना तो हम बताए दिए कि आप इत्तर के काम से कानपुर गए हैं, रात में लौटिए। हाय हाय मिठू जी, बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका। रज्जू भैया अमल करता हूँ। अरे लो ये आ गया, अब क्या करूँ? अरे छुपिए ना, छुपू रज्जू भैया। अरे मिठू भाभी। हाँ रज्जू भैया कहाँ? आए हैं विष्णु भाई साहब, पांडे जी तो नहीं है, वो तो कानपुर गए हैं इत्तर के काम से, रात में लौटी हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे चले गए? अरे रात को ही हमारे साथ बात हुई है, अब हमको बिना बताए कानपुर कैसे चले गए? अच्छा कुछ पैसे वैसे देके गए क्या? आए हैं विष्णु भाई साहब, हमको तो कौनो पैसा उसे नहीं देके गए हैं। नहीं थे? रज्जू भैया, मिट्टो भाभी, रज्जू भाई साहब ना हमारे साथ खेल खेल कर। अब कैसा खेल? नहीं देखते हैं। बहुत अच्छे मिट्टो जी, क्या करें, हमको ही कुछ तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा, वो भी गैर कानूनी तरीके से। क्या करें क्या करें क्या करें। हाँ विष्णु पांडे, एक गुड्डू शुक्ला के उठने से पहले तुम भी निकल लो। रज्जू पांडे पहले ही निकल लिए, विष्णु पांडे तुम अब निकल लो, और बचे बंटू पांडे। चुकाओ बंटू पांडे तुम अब गुड्डू शुक्ला का कर्जा। ये बात बिल्कुल ठीक कही बिल्लू रानी तुमने, हम ऐसा करते हैं कि हम बहाना बना देते हैं कि पैसा वैसा हमारे पास तो है नहीं, हम बाद में देंगे, और बाद में देंगे करके टालते रहेंगे। और बिल्लो रानी वैसे भी ये मामला है ना, ये गुड्डू और विष्णु का है, हमें इससे क्या मतलब, क्या कहती हो? सही कहा ना? तो बिल्कुल सही बात कही आपने बंटू जी, आज आपने पहली बार ना बंटू जी दिमाग का इस्तेमाल किया है, अब इस बात को दिमाग में रखेगा और वही कीजिएगा वहाँ, समझे कि नहीं? बिल्लू रानी हमें एक बात और कहनी थी। कहिए। कल वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हमारे दिल को काफी गहरे तक चोट कर गई। कौन सी बात पंटू जी? यही कि तुम हमें झेल रही हो। तो कहाँ पंटू जी, आप ऐसी बात दिल पे काहे लेते हैं? हमारी तरफ देखिए ना पंटू जी, हम आपको दिल से चाहते हैं ना पंटू जी, आप ये बात दिल से निकाल दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आप जाइए और बहाने पे गौर कीजिएगा, वरना गुड्डू शुक्ला है ना हम सबको पूछ देगा, समझे कि नहीं? हाँ तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं जाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। जो सिंदूर है ना, ये सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है, अरे ये तो औरत की शक्ति है, शक्ति।
अपनी अम्मा की खुशी के लिए हम धोखे से की गई इस शादी को तो मान सकते हैं। लेकिन उस इंसान को अपना पति कभी नहीं मान सकते जिसने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। अम्मा हमेशा से यही चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए। आज जब हमारी शादी एक मजाक बन के रह गई, उन्हें हमारी सुनी मांग देख के और तकलीफ होगी। लेकिन हम उस सिंदूर को अपनी मांग में कैसे भरे रह सकते हैं जिसे गुड्डू शुक्ला ने छुआ हो। लेकिन अपने सुहागन होने का धर्म निभाने के लिए हम सिंदूर लगाएंगे, वो सिंदूर जिसे गुड्डू शुक्ला के हाथों ने कभी नहीं छुआ। साले भोपू फाड़ रहे हो अपना, फालतू में आँख खोलती सुबह सुबह ऐसे ही। अब सोई जा, हम लोग अब सोना ही करिए। ओ, इधर आओ। हम? हाँ, तुमसे कहने इधर आओ। खड़े हो जाओ। सर, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। साले जब तुम कहोगी सो जाओ तो सो जाएंगे, जब तुम कहोगी उठ जाओ तो उठ जाएंगे। साले कोई सभ्यता वभ्यता है कि नहीं है? साले रात भर नींद नहीं, करवट बदल बदल के थक गए हैं। साले सुबह सुबह कहाँ है चल रहा है तुम लोगों का? जाओ नाश्ता पानी लेके हमारे लिए, साले भूख लग रही है हमको। सुनो, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। साले नहीं लेके आए ना तो तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है ना, साले इस पे तब बदसूरत कर देंगे कि साले तुम्हारे बच्चे भी तुमको पहचान नहीं पाएंगे, समझे? और तुम साला 2 मिनट के अंदर तुम्हारा जो पति परमेश्वर है ना, विष्णु भगवान, उसको हमारे सामने लेके स्थापित करो। चले जाओ। अबे वो विष्णु पाड़ा को हम कहाँ से स्थापित करें? अबे गुड्डू शुक्ला, बात ये है ना कि विष्णु पाड़े बहुत जरूरी काम से ना कानपुर गए हैं, शाम को लौटिए। लेकिन जाए से पहले ना अपना सारा हिसाब किताब बच्चों भैया को समझा के गए। अबे वो आ जाइए और दन से तुम्हारा पैसा दे दिए। हमारे बहाना चुराए के हमारे पांडे जी को फंसाए रही हो, मुंह न चुवा के पैदाइश आए है कलसन वाली, का कह रही हो? अरे हमारे पांडे जी तो गए, वो कहे ना कि बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर रहा, इसलिए पांडे जी को जाए के पड़ा। साले का नौटंकी चालू है, साले फुटबॉल खेल रहे हो हमारे साथ, साले कोई यहाँ गोल मार रहा है, कोई वहाँ गोल मार रहा है। साले एक बात कायदे से सुन लो, साले अभी हम मुंह से बात कर रहे हैं, साले फिर हाथ चलाएंगे जोर के, फिर लात चलाएंगे, बना देंगे तुम सबको फुटबॉल अच्छे से। आए हाय गुड्डू जी, अरे हम बहाना कहाँ बनाई है, हम तो सच कह रहे हैं। लेकिन चाय से पहले ना वो सारा इंतजाम करके गए हैं, वो पैसा है ना वो बंटू भाई साहब को दे के गए हैं, और चाय की नहीं तो झपट्टा मार के जहाँ मिल जाइए हुआ। अब तो इतना बड़ा झूठ बिकम जी काहे बोल रही है? और रज्जू भाई साहब बंटू जी को पैसे काहे देंगे? हाँ बंटू जी वैसे भी तो घर में है। अरे सवेरे से बाहर गए हैं तो बता तो रहे हैं हम, बंटू जी नहीं है तो? अरे बिल्लो रानी, अरे शर्ट का बटन नहीं टूटा,
हमारा पैसा चाहिए, समझ में आ रहा तुमको कि नहीं आ रहा? अरे पहले बात तो छोड़ो, तो बात तो करने दो हमें। हम सारा का सारा वो पैसा जो है ना वो विष्णु विष्णु को दे दिए हैं। पूछो बिल्लो रानी से, हम तुमसे काहे को दुश्मनी लेंगे? हाँ, अरे बिल्लो रानी की कसम, हम कैसे तुमसे बोल लेंगे? साले बिल्लो के छिछंदर, बहुत हो गया साला तुम लोगों का नाटक। हाँ साला बहुत, साला 30 मिनट का समय दे रहे हैं सबको, साला 30 मिनट के अंदर अगर हमको हमारा पैसा नहीं मिला तो साले तुम्हारे बच्चों के हाथ पैर कटवा के झुंझुना बजा देंगे। साले बोल देना विष्णु पांडे को। क्या बोली हो विष्णु पांडे के? हाँ क्या हुआ, काहे शोर मचा रहे हो? हाय हाय अम्मा, अरे आप काहे छटपटात आई गई? हाय कुछ तो नहीं हुआ, ओ काहे ना एक गुड्डू जी तनी गुस्साए गए हैं। ओ का हुआ कि रात को इनके सोवे खातिर ना कायदे से कोनो व्यवस्था नहीं हुआ ना, यही लिए। और सुबह से ना इनको कोनो चाय नाश्ता भी ना ही पूछी से अम्मा। अबे हाँ अम्मा। और का था? तुम लोग ऐसा अनर्थ करोगे तो गुस्साएगा नहीं। अरे गुड्डू अब इस घर का जमाई। गुड्डू बेटा तुम चिंता नहीं करो, अब से हम तुम्हारा ध्यान रखें। रुंझुन, अरे रुंझुन, बैठो। गुड्डू हम आज ही तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर देते हैं, तुम बैठो हम अभी आते हैं। Sagare 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 sag